और स्पीच रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। करनाल से खबर है जहां ग्रामीणों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और जमीन खाली कराने गए प्रशासन का विरोध ग्रामीणों की तरफ से किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लिया और उसी एक्शन को लेकर के यहां कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनकी तरफ से आवाज उठाई गई है। जिला प्रशासन से सामने आकर के जमीन खाली करवाने में जो विरोध का सामना करना पड़ा है, टायर जलाकर ग्रामीणों ने गांव का रास्ता बंद कर दिया और यही स्थिति बनी रही गांव के अंदर कि जो ग्रामीण है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने डटे रहे, खड़े रहे, आगे उनको नहीं बढ़ने दिया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन खाली कराने गए प्रशासन के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा और ये विरोध की तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। कमरजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमरजीत, क्या अभी तक जानकारी है? देखिए, अगर बात करें तो पूरा मामला जो गांव मदनपुर का मामला है वहां पर कहीं ना कहीं जमीनी विवाद को लेकर विवाद हो गया और जो हाई कोर्ट के आदेश पर जो करनाल के तहसीलदार हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी डीएसपी हैं, जेएसएचओ सिटी और उसी के साथ अगर बात करें जय विवाद बढ़ते ही जो आल एसएचओ को वहां पर मौके पर बुला लिया गया और उनका यही कहना था, ग्रामीणों का कहना था, हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ ये भी चीज देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो विजुअल में कैसे जो महिलाएं थी, जो छोटी छोटी लड़कियां थी, जंदू करी थी, वो भी अपने डंडे लेकर सामने आए और हर जगह पर टैच दिला के उनको रोशनी रोकने की कोशिश की। प्रशासनिक अधिकारी को यही कहना है कि हमारी जो स्थिति है उसको बिल्कुल कंट्रोल करना हमारा काम है। इसी के साथ तहसीलदार ने यही कहा कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनका यही कहना था कि अब ग्रामीणों से बात की जाती है, जो भी आगे की बात होगी वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन कहीं ना करके देखने वाली बात तो है कि जमीन के विवाद को लेकर इतना बड़ा मामला बढ़ गया कि ग्रामीणों को ये स्टेप उठाना पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए कमरजीत।